हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स वैसादिक में। दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन वाले छात्रों के लिए बड़ी ऑफिशियल खुशखबरी आ चुकी है। जी हां फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे के द्वारा आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट जो है जारी की है, और उसी के बाद जो है इसका जो है टाइम लाइन भी दे दिया गया कि कब आपका एग्ज़ाम दिया जाएगा और कब आपका जो है डीवी करवाया जाएगा। लेकिन जो है लगभग 9000 यहाँ पर पोस्ट देने वाली आरआरबी, तो अभी तक जो है डिक्लेयर नहीं किया गया था कि 9000 पोस्ट कौन कौन से आरआरबी में कितनी पोस्ट खाली है, तो वहीं पर जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनली जो है रेलवे के द्वारा जो है एक इंटरनल सर्कुलर दिया गया, जिसमें कि आरआरबी वाइज जोन वाइज आपकी वैकेंसी बताई गई है। तो देख लेते हैं कि किस आरआरबी में कितनी वैकेंसी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो चैनल पर नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती बोर्ड की पल पल के अपडेट्स के लिए। दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिल रही है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं आप जो इंटरनल सर्कुलर आया है, देखिए भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है, रेलवे बोर्ड दिया 1 तारीख का यहाँ पर जो है नोटिस सर्कुलर जारी किया गया था, इंटरनली सर्कुलर जारी किया गया था। देखिए, ये सभी आरआरबी के जोनल रेलवेज को यहाँ पर PCPO मतलब कि प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर को जो है जारी किया था। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज इन टेक्नीशियन ओपन लाइन सेफ्टी कैटेगरीज, मतलब सेफ्टी कैटेगरी में जो ओपन लाइन की, या हम बोल सकते ओपन रिक्रूटमेंट, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ओपन भर्ती आ रही है आपकी टेक्नीशियन की, उसमें जो है कितनी वैकेंसी किस आरआरबी में कितनी है, तो इसी का असेसमेंट देना है। तो बोर्ड्स का लेटर जो है 23 तारीख को भी जारी किया गया था, और 23 अगस्त और 15 दिसंबर को दोनों डेट पर भी जारी किया गया था वैकेंसी ब्यौरा मांगने के लिए। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है कि यहाँ पर जो है आपका 1094 पोस्ट किसकी वैकेंसी है, सिग्नल मेंटेनर की है ग्रेड 1 में, और 871 वैकेंसी आपकी टेक्नीशियन की सिग्नल की है, 568 वैकेंसी जो है टेक्नीशियंस में ही टेलीकॉम डिपार्टमेंट की है, लेकिन ये जो है ग्रेड 1 वालों के लिए। लेकिन जो है आपका जो ओपन भर्ती से अभी टेक्नीशियन आया है वो ग्रेड 3 के लिए होता है, टेक्नीशियन 3 होता है। तो देखिए यहाँ पर जब नीचे आएंगे तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, नाउ इट हैज़ बीन डिसाइडेड, मतलब पहले जो है ग्रेड 1 की पोस्ट भरी जानी थी, लेकिन अब डिसाइड किया गया है कि अब जो है बोर्ड टू फिल अब इंटायर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्नीशियन इन ग्रेड 3 इन सेफ्टी कैटेगरी, मतलब कि जो सेफ्टी कैटेगरी में टेक्नीशियन 3 की जो आप पोस्ट आई है वो डायरेक्ट ओपन भर्ती, मतलब कि हम बोल सकते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से जो है आप भरी जाएगी रेलवे के द्वारा, ऐसा बोला गया है। ऑफ ओपन लाइन एज असेस्ड इन OIRMS बाई जोनल रेलवेज अकॉर्डिंगली, मतलब कि अब जो है इनकी जितनी भी वैकेंसीज है वो सारे आरआरबी जोन जो है क्या करेंगे, जोनल रेलवेज क्या करेंगे, अब जो OIRMS ये जो इनका पोर्टल है, इस पर सारे जोनल रेलवे क्या करेंगे, अपनी जो जितनी भी वहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट खाली है, तो वो जो है उसमें असेसमेंट करेंगे, हम बोल सकते हैं उसमें फिल करेंगे। आगे देखते हैं वैकेंसीज ऑफ टेक्नीशियंस, देखिए इंडेंट्स फॉर ओपन लाइन सेफ्टी कैटेगरीज वैकेंसीज ऑफ टेक्नीशियंस मे बी प्लेस्ड इन OIRMS एज अप्रूव्ड एज अंडर, मतलब कि ये जो है OIRMS पोर्टल पर इनको जल्द से जल्द जो है वैकेंसी कितनी वैकेंसी खाली है इसका ब्यौरा देना है। अब देखिए इसके बाद ये आरआरबी आपका दे रखा है, रेलवे दे रखा है, और वैकेंसी ऑफ टेक्नीशियन असेस्ड इन OIRMS फॉर ओपन लाइन सेफ्टी कैटेगरीज, मतलब कि OIRMS पे जो वैकेंसी दी जानी है, तो देखिए यहाँ पर आरआरबी के द्वारा कितनी वैकेंसी खाली बताई गई है। देखिए आरआरबी अजमेर की बात करें तो यहाँ पर जो है 87 पोस्ट टेक्नीशियन ग्रेड 3 की खाली है, और इलाहाबाद की 174 पोस्ट खाली है, वहीं पर बात करें तो 170 बेंगलुरु की, आरआरबी भोपाल में 441, आरआरबी भुवनेश्वर में 198, बिलासपुर में 442, आरआरबी चंडीगढ़ में 279, और चेन्नई में 923 सबसे ज़्यादा पोस्ट यहीं पर खाली है, और आरआरबी गोरखपुर में 138, गुवाहाटी में 568, उसके बाद जो है 339 पोस्ट कोलकाता के ईस्टर्न रेलवे में है, और 184 पोस्ट साउथ ईस्टर्न रेलवे में है आरआरबी कोलकाता के अंतर्गत। इसी के नीचे जब देखेंगे तो देखिए आरआरबी मुंबई में सेंट्रल रेलवे में 663, वेस्टर्न रेलवे में 881 पोस्ट टेक्नीशियन की खाली है, आरआरबी पटना में जो है आपका 486, और 406 पोस्ट आरआरबी सिकंदराबाद में है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि सारे आरआरबी का यहाँ पर डाटा बता दिया गया है कि यहाँ पर इतनी वैकेंसी टेक्नीशियन की खाली है। तो लगभग बात करें तो यहाँ पर 6409 मतलब कि 6409 लगभग पोस्ट यहाँ पर वैकेंसी की खाली है, और जैसा कि रेलवे ने बताया कि लगभग इनके पास 9000 टेक्नीशियन की पोस्ट खाली है, और जो है 9000 लगभग वैकेंसी आएगी। तो यहाँ पर आरआरबी अहमदाबाद को इंक्लूड नहीं किया गया, तो हो सकता है कि यहाँ पर 2-400 पोस्ट उसकी भी हो, तो लगभग 7000 पोस्ट आपकी जो है टेक्नीशियन की यहाँ पर दे दी गई कि आरआरबी के द्वारा आरआरबी वाइज जो है आपकी 7000 लगभग ये पोस्ट टेक्नीशियन में जो इस साल देने वाले हैं वो इस तरह से आपकी लगभग 7000 पोस्ट आपकी खाली है, इस तरह से आप देख सकते हैं। अब देखिए इनको एक टाइम लाइन दिया गया है, देखिए दिस मे बी कम्युनिकेटेड टू डिविजन इंडेंटिंग यूनिट्स विद डायरेक्शंस टू सबमिट इंडेंट्स थ्रू OIRMS इंडेंटिंग टैब, मतलब कि OIRMS के इंडेंटिंग टैब से, मतलब कि इनको जो है अगर डिवीजन अगर वैकेंसी फिल कर रहा है तो 2 फरवरी से 5
फरवरी मतलब कि 3 दिन का इनका वक्त दिया गया। उसी के बाद अगर सीपीओ लेयर जो है सीपीओ से करा जाएगा तो 6 फरवरी से 7 फरवरी के बीच में इनको जो है टाइम दिया गया है कि ये जो है अपना इंडेंट कर सकते हैं, मतलब कि ORMS पोर्टल पर इनकी जो है वैकेंसी डिटेल डाल सकते हैं। तो दोस्तों बड़ी ऑफिशियल अपडेट थी, आप सभी के साथ मैंने शेयर कर दी। ऐसी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आएगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय फ्रेंड्स।